दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम टू सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे, थ्री सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे, फोर सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे, साथ ही साथ रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। तो डिटेल में हम इस वीडियो को कराने वाले हैं आप बच्चों के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी वीडियो समझ में आएगी। इसके अलावा ये अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लगता है कि नोट्स आपके हैं तो वीडियो के लास्ट में मैंने एक वीडियो जोड़ी हुई है जिससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये सारे के सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि हम UPSC के लिए, BPSC, स्टेट PCS, UGC नेट तमाम तरीके के कोर्सेज बनाते हैं और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में ही बनाते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये सारी की सारी वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पे जाके। तो बच्चों बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से शुरुआत कर रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो वहाँ पे तीन एक्टिविटीज़ होती हैं, एक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या है बच्चों? प्रोडक्शन का मतलब है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पहले थी उसको पैदा करना। जैसे मान लीजिए आम है, आम प्रकृति द्वारा दिया जा रहा है लेकिन मैंगो जूस तो प्रकृति द्वारा नहीं दिया जा रहा, तो प्रोडक्शन का मतलब आम को भी पैदा करना है। क्योंकि आम चाहे प्रकृति द्वारा दिया जा रहा है लेकिन बिना प्रयास के तो आप आम भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो प्रोडक्शन का मतलब उस प्रोसेस से है, उस तरीके से है जिसके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है इकोनॉमी में, तो इसको बच्चों हम बोलते हैं प्रोडक्शन। कंजम्पशन की बात करें कि व्हाट इज द कंजम्पशन, तो कंजम्पशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जो पर्सन है, इंडिविजुअल हो या फर्म हो, वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके आप कह सकते हो एक तरीके से अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, हर चाइज अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तभी पॉसिबल है जब गुड्स एंड सर्विसेज को आप कंज्यूम करते हो। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है। देखिए कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें कैपिटल फॉर्मेशन की, तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है न्यू असेट्स क्रिएशन करना। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जब आप कमाओगे, कमाने से बचाओगे, बचाने के बाद दोबारा इन्वेस्टमेंट करोगे, तभी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। तो अगर कोई इकोनॉमी चाहती है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना, अगर कोई इकोनॉमी चाहती है अपने आप को ग्रोथ करना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपना एक्सेस से अपनी कैपेसिटी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बच्चों ये तीन एक्टिविटीज होती हैं। देखिए पहले कौन आती है ये हम नहीं कह सकते क्योंकि प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट। ये तीन ऐसी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो किसी भी इकोनॉमी में होंगी। अगर इन तीनों के अलावा अगर एक भी इकोनॉमी नहीं है, एक भी एक्टिविटी नहीं है, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी तबाह होने में टाइम नहीं लगेगा बच्चों। क्योंकि बिना तीनों एक्टिविटी के कोई इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। ना प्रोडक्शन के बिना चल सकती है, ना कंजम्पशन के बिना चल सकती है, ना इन्वेस्टमेंट के बिना चल सकती है। इसीलिए इसको बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा गया है। अब देखिए मान लीजिए मैंने ये मान लीजिए टीवी खरीदा, स्मार्ट टीवी खरीदा, तो एक इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट की सहायता से मैं प्रोडक्शन करूंगा और उस प्रोडक्शन जो मैं करूंगा वो आप कंज्यूम करोगे, तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी हुई। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ हटा दो, टीवीओ पर मैं प्रोडक्शन ना करूँ तो आप कंजम्पशन नहीं कर पाओगे, कंजम्पशन आप नहीं करोगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। यानी कि पूरी इकोनॉमी इन तीनों एक्टिविटी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। आगे हम बात करें बच्चों की सर्कुलर फ्लो क्या होता है। तो देखिए जैसे हमने कहा तीनों एक्टिविटी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती रहती, उसी तरीके से अर्थव्यवस्था के जितने भी सेक्टर हैं वो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। क्योंकि कोई कंजम्पशन कर रहा है। अब देखिए मैं इस पूरे खेल की बात करूं तो आप इस समय कंजम्पशन कर रहे हो, मैं इस समय प्रोडक्शन कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं भी कंजम्पशन करूंगा, आप कोई और प्रोडक्शन करेगा। यानी कि इकोनॉमी में सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बिना मेरा काम चलने वाला है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लीजिए मैं हूं ना हूं तो आपका काम चलेगा। देखिए मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति को दूसरे की जरूरत है। दूध वाले को मेरी भी जरूरत है क्योंकि मैं दूध खरीदता हूं, और मुझे भी दूध वाले की जरूरत है क्योंकि वो दूध बेचता है। सर्कुलर फ्लो बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोग एक दूसरे पर किस तरीके से डिपेंडेंट हैं। तो क्या मैं गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हूँ? यस मैं डिपेंडेंट हूँ। क्या गवर्नमेंट मुझ पे डिपेंडेंट है? यस गवर्नमेंट मुझ पे डिपेंडेंट है। क्या आप बता सकते हो बच्चों कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो? मुझे तो ऐसा आज तक नहीं दिखा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी फर्म हो, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सर्कुलर फ्लो का मतलब उस इंटरडिपेंडेंसी को दिखाना, यानी कि ये दिखाना कि कैसे एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट है। सर्कुलर फ्लो
तो उसी को हम बोलते हैं बच्चों सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो रेफर टू द सर्कुलर ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने से क्या होगा, हमारी जनरेशन ऑफ इनकम होगी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनको बांट देंगे और वो सारे का सारा पैसे को खर्च कर देंगे। यानी कि होगा क्या बच्चों, सबसे पहले हम इनकम जनरेट करेंगे, लैंड लेबर कैपिटल को भी बांट देंगे और लैंड लेबर कैपिटल को जो पैसा मिलेगा वो जाके उसको कंजम्पशन करेंगे और उसी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे जो कि हमारे द्वारा बनाई गई है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों सर्कुलर फ्लो। देखिए मैं आपको एक बार फिर से यहां पे दिखा देता हूं, सर्कुलर फ्लो को इस तरीके से दिखाया गया है। इसके अंदर एक तो जनरेशन फेज आता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन का फेज। मान लीजिए मैंने क्या किया, 1000 रुपए का प्रोडक्शन किया, 1000 रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुड्स हैं, गुड्स उनकी मार्केट वैल्यू भी 1000 रुपए आएगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक ही गुड्स है, यानी कि 1000 रुपए की गुड्स बनाई, इसका मतलब 1000 रुपए की मेरी इनकम हुई। हम ये मान के चल रहे हैं कि 1000 रुपए की गुड्स और 1000 रुपए की इनकम हुई। अब इसका एक हिस्सा मैं रेंट को दे दूंगा, ठीक है, लेबर लैंड को दे दूंगा रेंट के रूप में, एक हिस्सा वेज के रूप में मिल जाएगा, एक हिस्सा इंटरेस्ट के रूप में और एक हिस्सा प्रॉफिट के रूप में। हम ये मान लिया कि 200 इसको मिले, 300 इसको मिले, 400 इसको मिले और 100 इसको मिले प्रॉफिट के रूप में। तो टोटल मिलाकर 1000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इनकम का। अब इसके पास जो पैसा आएगा, यानी कि मान लीजिए लेबर के पास वेज आएगा 300 रुपए का, तो वो उस पैसे का अचार तो डालना नहीं है उसको, जाके तो गुड्स एंड सर्विसेज ही खरीदनी है। तो फाइनली क्या करेगा, ये लोग जाएंगे और फिर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। यानी कि ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है, इस पैसे को खर्च करने के फेज को हम बच्चों डिस्पोजिशन फेज के नाम से जान रहे हैं। तो मतलब कहने का सिंपल सा है कि ये पैसे को खर्च कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें इन फेजेस की, तो सबसे पहले आता है जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, उसके बाद डिस्पोजिशन फेज। तो अगर हम बात करें बच्चों टू सेक्टर इकोनॉमी की, तो हम यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में फ्लो क्या है, किस तरीके का फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये मैं समझाऊँ, उससे पहले कुछ अजम्पशंस हैं, आप जरूर हमारी अजम्पशंस को अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए बच्चों। ओके, तो सबसे पहला कह रहा है कि देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम दो सेक्टर मान के चल रहे हैं, सबसे पहला हाउस होल्ड है और दूसरा फर्म है। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ये हमारा एजम्पशन है। इसके अलावा हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ फैक्टर, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हाउस होल्ड है इसी के पास लैंड है, इसी के पास लेबर है, इसी के पास कैपिटल है और इसी के पास इंटरप्राइज है। ये सारी की सारी चीज़ें हाउस होल्ड सेक्टर के पास ही है, फर्म के पास कुछ भी नहीं है। हाँ, फर्म क्या करेगी, फर्म हाउस होल्ड सेक्टर से इन सभी फैक्टर्स को बाय करेगी, ये हमें समझना है। इसके अलावा ऑल इनकम अर्न बाय फैक्टर्स आर स्पेंड, यानी कि जो भी चीज़ें खरीदी जाती हैं वो सारी की सारी स्पेंड कर दी जाती हैं। द इकोनॉमी इज दिस क्लोज इकोनॉमी, तो बच्चों क्लोज इकोनॉमी है, इसका मतलब हम जो वर्ड है उसको हम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में डिफरेंस बता देता हूँ, ताकि अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू मजबूत हो जाए कि क्लोज इकोनॉमी वो होती है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन नहीं करती, ना वो बोरिंग करती है, ना वो लोन देती है, ना एक्सपोर्ट करती है, ना इम्पोर्ट करती है। ओपन इकोनॉमी वो है जो विदेशों के साथ कोई ना कोई इंटरनेशनल रिलेशन रखती है, चाहे वो लोन लेना हो, चाहे बोरिंग करना हो, चाहे लोन देना हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे इंपोर्ट हो, चाहे लेबर का फ्लो हो, चाहे कैपिटल का फ्लो हो, चाहे किसी और का फ्लो हो। तो ओपन इकोनॉमी ही आजकल विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं, क्लोज इकोनॉमी तो कोई अर्थव्यवस्था बची ही नहीं है। तो हम लेकिन ये मान के चल रहे हैं सिंपल बनाने के लिए कि इकोनॉमी क्लोज है। तो यहाँ पे बच्चों हम टू सेक्टर मॉडल का आपको एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाले हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एक हाउस होल्ड है, ठीक है। इसके अलावा हम ये मान लेते हैं कि एक फर्म है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हाउस होल्ड के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि हाउस होल्ड के पास पैसा है, संपत्ति है, धन है, हाउस होल्ड के पास ही सब कुछ है, यानी कि फैक्टर है सॉरी हाउस होल्ड के पास। तो क्या करेगा, हाउस होल्ड जो है वो फर्म को देगा फैक्टर सर्विसेज, यानी कि लैंड देगा, लेबर देगा, इंटरप्राइज देगा और कैपिटल देगा।
तो बदले में इसको क्या मिलेगा? जो लैंड दिया गया है उसके बदले रेंट देगा, जो लेबर है उसके बदले वेज देगा, प्रॉफिट दिया जाएगा और इंटरेस्ट दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों। इसका मतलब इसने क्या किया, 1000 रुपए का प्रोडक्शन किया था, ठीक है। 1000 रुपए इसने किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लैंड वेज प्रॉफिट और एक तरीके से इंटरेस्ट के रूप में इसने इसे 1000 रुपीज पे कर दिए। अब क्या होगा बच्चों, हाउसहोल्ड जो है उस पैसे को खर्च कर देगा फर्म के ऊपर, यानी कि इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये वाला जो है ये इसको दे देगा गुड्स एंड सर्विसेज। तो रियल टर्म में देखिए, रियल टर्म में रियल फ्लो की बात करें, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं हाउसहोल्ड और यहां मेरा फैब फर्म। तो रियल टर्म, रियल फ्लो की बात करें तो रियल में क्या दिया गया है, रियल फ्लो दिया गया है। अगर आप टेक्निकली देखने की कोशिश करोगे तो रियल में बच्चों आपको क्या दिया गया है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। हाउसहोल्ड जो है वो क्या कर रहा है, इसको दे रहा है फैक्टर सर्विसेज और ये से दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये रियल फ्लो है। इसका मतलब पैसे का तो ये अच्छा डालेगा नहीं भाई, अल्टीमेटली इसने इसे 1000 रुपए दिए, इसने इसको 1000 रुपए वापस कर दिए यहां पे। तो जो मनी टर्म है वो तो वो है मनी फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो। मनी फ्लो कैसे है, यानी कि ये मैं आपको कलर चेंज कर देता हूं, देखिए ये वाला जो है ये वाला ये मनी फ्लो है और ये वाला भी मनी फ्लो है, क्योंकि पैसे का फ्लो जा रहा है। तो बच्चों इस तरीके से रियल फ्लो और मनी फ्लो होता है, जो मैंने आपको समझाया। तो हम यहां पे बात कर रहे थे, यही हमारी टेबल है जो हम ये आपको बता रहे थे बच्चों, दिस वन, जिसमें हमने आपको ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज ये दे रहा है, इसके बदले ये इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रहा है, ये फैक्टर सर्विसेज पहले दे रहा था और इसके बदले ये इसको फैक्टर पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो है बच्चों, जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना भी हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में एक डिफरेंस है वो आपको करा देते हैं। रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है, इसके बारे में एक डिफरेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रियल फ्लो की, तो रियल फ्लो इंक्लूड द फ्लो ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म, यानी कि हाउसहोल्ड एंड फर्म के बीच में किसका फ्लो हो रहा है, एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों। फर्म हाउसहोल्ड को दे रही है गुड्स एंड सर्विसेज और हाउसहोल्ड फर्म को दे रहा है फैक्टर सर्विसेज। तो इसको बोलते हैं हम रियल फ्लो, यानी कि रियल फ्लो इंक्लूड द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म। इसके अलावा मनी फ्लो की बात करें तो मनी फ्लो इंक्लूड ऑल द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिटवीन फर्म एंड हाउसहोल्ड। तो यहां पे क्या हो रहा है, हाउसहोल्ड फर्म को क्या दे रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म हाउसहोल्ड को दे रही है एक तरीके से फैक्टर पेमेंट। इसको बोलते हैं मनी फ्लो। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। रियल फ्लो एग्जिस्ट इन द बार्टर सिस्टम एंड मनी फ्लो इन द मनी सिस्टम। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मॉनिटरी सिस्टम ही चलता है, रियल सिस्टम, रियल जो फ्लो है वो हट गया है एक तरीके से इकोनॉमी में। इसके अलावा इट इज ऑल्सो नोन एज द फिस्कल फ्लो, इसको फिस्कल फ्लो के नाम से भी जानते हैं और इसको नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो बोले तो भी वही आंसर लिखना है जो मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है। आगे हम बात करें बच्चों, तो देखिए यहां पे हम आपको समझाने वाले हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी के बारे में, आखिरकार थ्री सेक्टर इकोनॉमी किस तरीके से एक्सचेंज करती है। तो देखिए थ्री सेक्टर में हम ये क्या मान रहे हैं, एक तो हम मान रहे हैं फर्म, फर्म, दूसरा मान के चल रहे हैं हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड। इसके अलावा हमने एक और चीज मान लिया, वो है फाइनेंशियल मार्केट, हालांकि ये सेक्टर नहीं है, ये फाइनेंशियल मार्केट है, इसको आप बोल सकते हो फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम हो गया ये, FS लिख देते हैं, ओके बच्चों। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक और चीज हम ये कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं,
जो मनी फ्लो है उसी को कंसिडर कर रहे हैं, रियल फ्लो को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि रियल फ्लो तो नॉर्मल लाइफ में होता ही नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें तो फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, फर्म हाउस होल्ड को दे रहा है कंजम्पशन एक्सपेंड सॉरी फैक्टर पेमेंट और हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन। ठीक है जी। और जो पैसा बच गया, मान लीजिए कुछ पैसा बच गया, तो यहां पे ये सेविंग करा देता है, यानी कि ये कंजम्पशन हो गया, ये सेविंग हो गया। और अगर मान लीजिए कभी जरूरत पड़ जाए, ज्यादा कंजम्पशन करना है, तो ये इससे उधार भी ले लेता है। इसी तरीके से फर्म भी अगर पैसे एक्स्ट्रा बचे हैं तो ये सेविंग कर लेती है और या फिर बोरो कर लेती है। तो ये सिंपल सी बात हमने आपको समझाने की कोशिश की। इसके अलावा एक और सेक्टर आ जाता है, वो है गवर्नमेंट का। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को फर्म से कुछ लेना है तो क्या लेती है, फर्म से टैक्सेस लेती है और देती क्या है, सब्सिडीज देती है। ठीक है जी। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है इस पे एक्सपेंडिचर भी करती है, परचेज ऑफ गुड्स एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज भी बाय करती है। इसी तरीके से अगर हाउस होल्ड की बात करें, हाउस होल्ड से क्या करती है, ये हाउस होल्ड को देती है ट्रांसफर पेमेंट, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया, ये सब है। और ये इसको क्या देता है, ये इसको पेमेंट करता है ट्रांसफर पेमेंट के अलावा पेमेंट ऑफ सर्विसेज, यानी कि सॉरी टैक्सेस देता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी काम जो है वो गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच होते हैं। तो बच्चों ये हमने पढ़ा सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ थी सेक्टर इकोनॉमी। बात करें बच्चों अगर हम आगे फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की, तो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में भी एक और सेक्टर आ जाता है, वो भी हम आपको समझा देते हैं। और मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ पूरी तरीके से, एक बार आप बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ लीजिएगा। हमने यहाँ पे चार बॉक्स बना लिए जो हमारे चार सेक्टरों को दिखाने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले नाम डाल देते हैं बच्चों, फर्म हाउस होल्ड, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट। इसके अलावा हमने एक और चीज ले लिया, वो है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म जो है वो अपनी सेविंग करेगी, जो भी उसकी सेविंग है वो यहां रखेगा। इसी तरीके से हाउस होल्ड बोरिंग लेगा इससे, गवर्नमेंट भी अपनी सेविंग जो है वो यहीं रखती है और बोरिंग लेती है मार्केट से। यहां पे हाउस होल्ड भी एक तरीके से आप कह सकते हो फाइनेंशियल मार्केट में बोरिंग करते हैं और सेविंग करते हैं। ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है, हालांकि सेविंग उस तरीके से नहीं होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करता है फाइनेंशियल मार्केट में। तो लेकिन हम वो यहाँ पे नहीं दिखा रहे बच्चों आपको। इसके अलावा हम ऑलरेडी समझ चुके हैं बच्चों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या देगा, हाउस होल्ड फर्म को देगा फैक्टर सर्विसेज। और ये से क्या देगा, ये देगा एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, सॉरी ये देगा फैक्टर पेमेंट। फर्म देगी हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट और हाउस होल्ड देगा फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके बच्चों। गवर्नमेंट को क्या, फर्म क्या देगी, टैक्सेस देगी, गवर्नमेंट इसे क्या देगा, सब्सिडी देगा। इसी तरीके से ये गवर्नमेंट को क्या देगा, गवर्नमेंट इसे देगी ट्रांसफर पेमेंट और ये गवर्नमेंट को देगा टैक्सेस। इसके अलावा फर्म रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट का पेमेंट करती है, यानी कि जो एक्सपोर्ट किया है,
सॉरी एक्सपोर्ट का रिसीव करती है, रिसीव्ड, और जो इंपोर्ट किया है उसका पेमेंट करती है। इसी तरीके से हाउस होल्ड को मिलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो बच्चों एक तरीके से ये फ्लो है, यानी कि ये हमें बताने गया है कि किस तरीके से इकोनॉमी में सारे फैक्टर, सारे लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। इसकी जानकारी बच्चों हमें इस वीडियो के माध्यम से दी गई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, मतलब अगली वीडियो में हम आपको ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो कवर करेंगे, ताकि आपका नेशनल इनकम का जो कंसेप्चुअली है वो मजबूत हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।